सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले माइल्डी AHF शैम्पू के बारे में। माइल्डी AHF शैम्पू के क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन के यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डालेंगे और ये किस प्रकार काम करता है, और डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं, तो माइल्डी AHF शैम्पू के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं माइल्डी AHF शैम्पू, जो कि हमारे पास 100 ml का बोतल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 317 यानी कि 317 रुपये करीब इसकी MRP है। माइल्डी AHF शैम्पू को इंतास फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है। माइल्डी AHF शैम्पू के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से है प्योरोपेट्स, वाटर्स, डी ग्लाइको ग्लूकोसाइड्स, सोडियम लॉरेल्स सैक्रोसिनेट्स, डाई सोडियम लॉरेस सल्फोसिनेट्स, लॉरेल ग्लूकोसाइड्स, डाइसोडियम कोकोनट्स और एलोवेरा इसके अंदर डाले गए हैं। माइल्डी AHF शैम्पू का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल एंटी हेयर फॉल के लिए किया जाता है और प्रिवेंट करता है हेयर फॉल्स के लिए और इंक्रीज करता है हेयर ग्रोथ के लिए। यानी कि सरल भाषा में बताएं तो माइल्डी AHF शैम्पू का इस्तेमाल अगर आपके नहाते वक्त आपके बाल कुछ ज़्यादा गिर जाते हैं या फिर आपके एक साइड के बाल कुछ ज़्यादा गिर गए हैं या फिर आपकी एज के पहले ही आपके बाल चले गए हैं, यानी कि आपको एलोपेशिया वगैरह हो गया है, यानी कि आपको बाल झड़ने की कुछ बीमारी वगैरह हो गई है, तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकती है। माइल्डी AHF शैम्पू को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपके एक साइड के कुछ बाल गिर रहे हैं या फिर हेयर ग्रोथ कुछ ज़्यादा हो रहा है तो इसको यूज़ करने से प्रिवेंट हेयर फॉल रहेगा और इंक्रीज होगा हेयर का ग्रोथ का। यानी कि इसको यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपके बाल वगैरह कुछ ज़्यादा गिरते रहेंगे तो इसको यूज़ करने से वो गिरेंगे नहीं और नए बाल भी आएंगे। माइल्डी AHF शैम्पू को यूज़ करने का तरीका बताएं तो माइल्डी AHF शैम्पू को थोड़ी सी क्वांटिटी में लेने का और अपने बाल पे 2 से 3 मिनट ढकने का, बाद में इसको वॉश कर देने का, यानी कि नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं वैसे इसको यूज़ किया जाता है। यानी कि माइल्डी AHF शैम्पू को अल्टरनेट डे यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। माइल्डी AHF शैम्पू आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। माइल्डी AHF शैम्पू को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या फिर अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या फिर अपने हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस शैम्पू का इस्तेमाल करें। अपने मन से माइल्डी AHF शैम्पू का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो माइल्डी AHF शैम्पू के बारे में कुछ भी डाउट तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। माइल्डी AHF शैम्पू का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। कोई भी मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।